सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा प्राचार्य को। 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 10 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने को लेकर प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्र व कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जल्द मांगों को पूरा करने और कॉलेज कैंपस को बंद कराने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने बताया कि GCA कॉलेज में लंबे समय से विभिन्न समस्याओं के कारण छात्र परेशान हैं। प्राचार्य को दिए गए मांग पत्र में कॉलेज परिसर में हेल्थ सेंटर खोला जाए, ई मित्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ATM मशीन लगवाई जाए, निःशुल्क फोटोकॉपी मशीन लगवाई जाए, क्रिकेट पिच का निर्माण करवाया जाए, सभी खेलों के लिए कोच उपलब्ध करवाए जाएँ, खिलाड़ियों को TADA में 100 रुपये की बढ़ोतरी की जाए, लाइब्रेरी के अंदर वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से की जाए, कॉलेज में कैंटीन खोली जाए और राजस्थानी भाषा में MA प्रारंभ कराई जाए। प्राचार्य ने मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इन समस्याओं को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर के साथ वीरेंद्र जडेजा, लक्ष्य सैनी, कमल रावत, हनुमान गुर्जर, मंथन रोहित, कान्हा, राहुल गुर्जर, मोहित रावत, अमन चोपड़ा, देवेंद्र, ललित, प्रवीण सुनी, सुनील गुर्जर, जयवीर, प्रदीप, अभिषेक रावत, मोहित गुर्जर, जीतू, सूरज, तुषार व अन्य ABVP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम ABVP के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देना है और हमारी मुख्य 10 मांगे हैं जिनको लेकर हमने प्राचार्य मोदी को ज्ञापन सौंपा है और हमने हमारे को प्राचार्य मोदी ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्य किया जाएगा। हमारी 10 मुख्य मांगे राजस्थानी भाषा में MA करवाने के लिए, क्रिकेट पिच बनवाने के लिए, खिलाड़ियों का TADA बनाने के लिए, हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, ATM मशीन लगाने के लिए, फोटोकॉपी मशीन लगाने के लिए, निःशुल्क और ई मित्र खोलने के लिए और ऐसी कई मांगे लेकर हम प्राचार्य मोदी के पास में आए और उन ज्ञापन दिया प्राचार्य मोदी ने जल्दी इन मांगों पर कार्य करने की। अगर मांगे पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं हुई तो अगर एक सप्ताह में हमारी मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कैंपस बंद करवाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर GCA कॉलेज में प्राचार्य मोदी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी हेल्थ सेंटर, ATM मशीन, फोटोकॉपी की मशीन लगाई जाए GCA के अंदर, GCA के अंदर क्रिकेट पिच का निर्माण किया जाए। अगर महाविद्यालय परिसर इन मांगों को पूरी नहीं करता है तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी और जिसके जिम्मेदार खुद महाविद्यालय प्रशासन रहेगा।